गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट जेम्स स्कूल। यह वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए बनाई गई है। हिंदी लिटरेचर फर्स्ट चैप्टर कलश अपने आप चमकेगा, इस कविता की हम व्याख्या करेंगे और अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको ध्यान से सुनना है और इस अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी पे साफ साफ लिख करके पढ़ना है। कलश अपने आप चमकेगा, कलश मतलब घड़ा, अपने आप चमकेगा। यदि आप कर्म करते रहेंगे तो उसके अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उसके अच्छे फल आपको अवश्य मिलेंगे। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि हम समाज में यदि कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो हमें मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। अकेले हम समाज का कायाकल्प नहीं कर सकते। अगर हम मिलजुल कर एक बड़े समूह में काम करेंगे और उसका ध्येय निश्चित होगा तो हम अवश्य ही सफल होंगे। कवि गजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा रचित यह कविता एक समाज के लिए पुनरुत्थान का कार्य कर सकती है। आप इसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। बन सको यदि मित्र नींव के प्रस्तर बनो, फिर देखना मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। क्या कह रहे हैं? बन सको यदि मित्र, समाज को संबोधित कर रहे हैं, विद्यार्थियों को संबोधित करके वो कह रहे हैं बन सको यदि मित्र, हे मित्र यदि आप बन सकते हैं तो नींव का प्रस्तर बनो। नींव का प्रस्तर, नींव मतलब नींव, प्रस्तर मतलब पत्थर। जिस तरह कोई इमारत खड़ी जब होती है तो उसकी मजबूती उसके नींव पर टिकी होती है, उसी तरह समाज में हमारे एक अच्छे समाज के लिए जो विद्यार्थी हैं उनका बेहद मजबूत होना और बेहद परिश्रमी होना अत्यंत आवश्यक है। बन सको यदि मित्र तो नींव के प्रस्तर बनो। जिस तरह इमारत के लिए नींव की मजबूती सबसे ज्यादा आवश्यक होती है, उसी तरह समाज के निर्माण के लिए विद्यार्थियों के अंदर ज्ञान, परिश्रम, बुद्धि, विवेक आदि के निर्माण के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो नींव का प्रस्तर बनो, नींव के पत्थर बनने के लिए कहा गया है। देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। फिर मानवीय अस्तित्व, मानव का अस्तित्व, मानव के अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा अगर आप मजबूती से खड़े रहेंगे, स्थिर होकर। चाहते निज भाव तुम उन्नत बनाना, चाहते हर प्राण को खुशियां लुटाना, चाहते यदि फासलों को पास लाना और हर पीर में हिस्सा बटाना। चाहते निज भाव तुम उन्नत बनाना, निज मतलब होता है अपना, स्वयं का, भाल मतलब मस्तक। यदि आप अपना मस्तक उन्नत बनाना चाहते हैं, ऊंचा बनाना रखना चाहते हैं तो चाहते हर प्राण को खुशियां लुटाना और प्रत्येक प्राणी को खुशी देना चाहते हैं, समाज को खुशियां बांटना चाहते हैं। चाहते यदि फासलों को पास लाना और समाज में जो दूरी है दूरी को खत्म करना चाहते हैं, फासलों को मिटाना चाहते हैं और हर पीर में हिस्सा बटाना। पीर मतलब होता है कष्ट या दुख या पीड़ा, दूसरों के कष्ट में हिस्सा बटाना चाहते हैं, दूसरे के कष्ट को दूर करना चाहते हैं। तो उठो देखो उधर अटकी पड़ी है सिमटी, जानवी सिमटी जटाओं में। जानवी, जानवी मतलब गंगा, गंगा को जानवी कहते हैं। देखो शिव की जटाओं में जैसे गंगा सिमटी हुई है, सिमट करके ही नीचे धरातल पर गिरती हैं, उसी तरह उठो और देखो समाज का पुनरुत्थान करो। पहचानो स्वयं को, विस्मृत ना हो, अपने आप को पहचानो, अपने ज्ञान को पहचानो, विस्मृत ना हो, स्वयं को ना भूलो, अपने अस्तित्व को मत भूलो। स्वाभिमान को अपने कभी भी नहीं खोना चाहिए, कभी भी अपने आप को नहीं भूलना चाहिए। तुम सगर के पुत्र हो अमर, सगर राजा सगर वही है जिनकी तपस्या से गंगा जी धरातल पर आई थी। तो कवि ने पुत्रों को मतलब समाज के लोगों को सगर का पुत्र कहा है। हिम्मत ना हारो कदापि, कदापि मतलब कभी भी हिम्मत मत हारो, जीत तुम्हारी होगी तथापि, तब ही तुम्हारी जीत होगी अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे।
हाँ एक होकर बन भगीरथ तुम लगाओ जोर, गंगा अवश्य भूतल पर बहे। जैसे भगीरथ ने गंगा को अवश्य पर लाया, भूतल पर लाया, उसी तरह तुम भी एक होकर जोर लगाओ, एक समूह में जुट करके किसी कार्य को करो। तब खेत खलिहान लहलहाएंगे, खलिहान रह रह करके गीत गाएंगे, आओ जुटे साधना में तपे, निर्माण होने दें, कलेवर अपने आप बदलेगा। कलेवर मतलब बाहरी ढांचा, बनावट या रूपरेखा अपने आप बदल जाएगी जब आप निर्माण होने दें, किसी कार्य का जब निर्माण होने दें या निर्माण करें, तब कायाकल्प अपने आप हो जाएगा। यदि बन सको नीव के प्रस्तर बनो, देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। यदि आप बन सकते हैं तो नीव के प्रस्तर बनिए, मतलब मजबूती से आप डटे रहिए, फिर देखना मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा। अगर आप कर्म करते रहेंगे तो मानवता का उत्थान अवश्य होगा। यह कविता गजेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा लिखी गई है। अब इसके हम अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहले शब्दार्थ देखिए। प्रस्तर, प्रस्तर में होता है पत्थर, मानवीय अस्तित्व मानवता का होना, कलश घड़ा निज अपना या स्वयं का, पीर मतलब पीड़ा, जाह्नवी गंगा, गंगा का पर्यायवाची है जाह्नवी, विस्मृति भूल जाना, साधना सिद्ध करना, अवश्य होता है लाचार होकर के, कलेवर रूप देह या बाहरी ढांचा। प्रश्न उत्तर देखिए। कवि ने हमें क्या बनने के लिए कहा है? पहली लाइन में कवि ने क्या कहा है? बन सको यदि नीव के प्रस्तर बनो, हमें नीव का पत्थर बनने के लिए कहा है। कवि ने युवाओं को किसका पुत्र कहा है? कवि ने युवाओं को राजा सगर का पुत्र कहा है। कवि ने युवाओं को क्या होने देने के लिए कहा? कवि ने युवाओं को निर्माण होने देने के लिए कहा है। निज भाल उन्नत बनाने से कवि का क्या तात्पर्य है? कवि का क्या मतलब है? निज भाल मतलब स्वयं का मस्तक ऊंचा उठाना, निज भाल उन्नत स्वयं का मस्तक ऊंचा उठाने के लिए, बनाने के लिए कवि का क्या तात्पर्य है? कि परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए क्या आवश्यक है? खुशहाली रूपी गंगा को पृथ्वी पर बहाने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करते रहें। धन्यवाद।